एक न्यू अपडेट आया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में चयनित वैसे लाभुक जिनको प्रथम किस्त का भुगतान 15 मार्च 2023 तक प्राप्त हो गया है, उनको प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 जून 2023 निर्धारित किया गया है। ऐसे में आपके मन में होगा कि भाई हमको तो किसी का जो पेमेंट है अप्रैल में आया है, किसी का मई में आया है, अब उनका उनके लिए क्या कुछ है, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा, पूरे विश्लेषण करके मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि 2000 यहां पर आप देख सकते हैं कि एक चीज़ है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत 22-23 में जिनका बैंक डिटेल्स अगर अपलोड नहीं है तो 31 मई तक निर्धारित किया गया है, और जिनका 15 मार्च 2023 तक पेमेंट हो गया है उनके का जो अंतिम तिथि है उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का 15 जून 2023 है। इसको विस्तार से जानने के लिए यहां पर एक नोटिस जारी किया गया है आपका 23 मई 2023 को। इसमें बताया सभी जितने भी महाप्रबंधक है वो सभी को बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में चयनित लाभुकों द्वारा प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है 15 जून 2023 तक उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में ये दिया गया है। ये थोड़ा क्वालिटी कम है, इसके कारण थोड़ा मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग लिख करके तब मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ए स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं एक एक बात को आपके सामने में रखने वाला हूँ, पूरा विश्लेषण ये करूँगा। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये मैं पूरा आपको विश्लेषण करके मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 3 किस्त में देना है, राशि कितने किस्त में दिया जाना है, 3 किस्त में दिया जाना है। जैसे कि पहला किस्त हो गया आपका, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त हो गया। तो पहला किस्त की मैं राशि की मैं बात करूं तो पहला किस्त आपको 4 लाख मिलेगा, दूसरा किस्त 4 लाख मिलेगा और तीसरा किस्त 2 लाख मिलेगा। मैं यूँ कहूं कि DPR जितना आपका रहेगा, समझे, DPR का 40% आपको दिया जाएगा। अगर हो सकता है किसी का DPR अगर 9 लाख का बना होगा तो 9 लाख का 40% कर लेंगे। अगर किसी का हो सकता है कि 5 लाख का DPR होगा तो 5 लाख का आपका जो है 40% करेंगे तो आपका 2 लाख होएगा। तो इस तरह से आपका आएगा, यानी जितना DPR में आपका दिया रहेगा DPR का 40% आपको और DPR का 20% मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो आपने नोटिस जो देखा है उस नोटिस में जो दिया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिया है, प्रथम किस्त 15 मार्च 2023 तक जिनको प्रथम किस्त मिल गया है 15 मार्च 2023 तक, यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है कि जिन भाइयों को, जिन दोस्तों को, जिन साथियों को 15 मार्च 2023 तक अगर उनको प्रथम किस्त मिल गया है तो उनको जो उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम तिथि दिया गया है 15 जून 2023 दिया हुआ है। तो उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन करना है, उसका अंतिम तिथि कितना दिया हुआ है, 15 जून 2023 दिया हुआ है। तो किन के लिए है, जिन भाइयों को, ध्यान में रखना एक बार मैं बोलना चाहूँगा, 15 मार्च 2023 तक मिला है। अब पूरा मैं बताऊँगा कि कब कब आपका पेमेंट मिला है, सभी रिकॉर्ड में देखिए पूरा विश्लेषण मैं करने वाला हूँ आपको कहीं भी। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा है, वीडियो को तो सर लाइक बनता है और इस वीडियो को आगे चलाने के लिए इसमें आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसमें क्या है कि यहाँ पर समझें कि जो आज जो 23/5/2023 को, आज तो 24 है, तो इस 23/5/2023 के नोटिस के अनुसार मैं आपको मैं बता रहा हूँ। उसी नोटिस में थोड़ा मैं आपको हैंड राइटिंग के थोड़ा लिख रहा हूँ कि ताकि समझने में आपको सहूलियत होगा, मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पर समझें कि जो दिया हुआ है क्या कि जितने सभी, आपको पता है कि हर जिला में एक जिला महाप्रबंधक होता है उद्योग
विकास पदाधिकारी जो होते हैं ना, यहाँ पर उद्योग निदेशालय होता है तो हर जिला में होता है, और वैसे तो उद्योग निदेशालय पटना में है पूरा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सभी लाभुकों को अपने स्तर से सूचित करेंगे। क्या सूचित करेंगे कि भाई आपका जो है जिनका जो है 15 मार्च 2023 तक ले पेमेंट आया है उनको अंतिम तिथि 15 जून 2023 तक है, 15 जून तक कर दो, ये आपको सूचित करेंगे। इसके बाद जब सूचित हो जाएगा तो बोला जा रहा है क्या साथ ही इनको देखिए पूरा जिम्मेवारी अब जिला उद्योग पदाधिकारी को दे दिया गया है, समझे, वही लोग करेंगे। साथ ही पोर्टल पर प्राप्त हो रहे उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच करवा कर सही पाए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र को पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत अप्रूव कर देंगे, समझे। जीव ही आप वहाँ पर सबसे डालेंगे, अब क्या क्या चीज़ डालेंगे वीडियो मैंने अपलोड किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, समझे। या तो आप कहिएगा तो मैं विस्तार से एक वीडियो मैं ला दूँगा, समझे, इसलिए चिंता न करें। पहले जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ थोड़ा उसको समझिएगा। तो इनका कहना था क्या कि हम जब आप मान लेते हैं कि उपयोगिता प्रमाण जितने लाभुक हैं जितने लाभार्थी हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र ज्यों ही पोर्टल पर अपलोड करेंगे तो उनको जो है 2 से 3 दिन में, अहम बात है, बहुत टाइम लेगा तो 1 सप्ताह टाइम लेना है, समझे। वैसे 2 से 3 दिन में जो है पोर्टल को देखना है और उसको स्वीकृत करना है, अप्रूवल करना है, समझे। अगर सही सही जिनका होगा उनको अब यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि ताकि योग्य पाए जाने वाले यानी पाए गए लाभुकों यानी जो योग्य पाए जाने सही सही लाभुकों को द्वितीय चरण के प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा सके, है ना। द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के बारे में मैं बता दूं कि जब पहला किस्त आपको मिल गया तो द्वितीय किस्त मिलने से पहले जब आपका अप्रूवल हो जाएगा, प्रथम किसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आप ज्यों ही अपलोड करेंगे उसका अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद आपका जो है ट्रेनिंग के लिए कॉल किया जाएगा, तो ट्रेनिंग के बाद ही द्वितीय किस्त दिया जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा वो तो आप खुद समझ सकते हैं, इसमें कुछ कहने की बात है नहीं, क्योंकि जनवरी में 3 जनवरी को ही ना बैठक हुआ था, उसी में पूरा जो है आपका रेंडमाइजेशन सब किया गया था, और आज मई है तो ऐसे में कितना कम तकरीबन 4 से 5 महीना होने जा रहा है। तो प्रथम किस्त मिलने में आप अभी तो उपयोगिता प्रमाण पत्र डालेंगे फिर कितना टाइम लगेगा तो वो अलग बात है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको जब उपयोगिता प्रमाण पत्र हर हाल में आपको अपलोड कर देना है, इसके बाद द्वितीय किस्त की स्वीकृति जो है जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा द्वितीय प्रशिक्षण आपका द्वितीय किस्त का हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि द्वितीय किस्त की स्वीकृति की जा सकेगी। अब मेरा ये कहना है कि मान लेते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे वहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा। अब वहाँ पर आपको अपलोड करना है 3-4 बात आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है, वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, सही सही आपको अपलोड करना है। मैंने बताया कि अपलोड करने से पहले आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आप देख लीजिएगा, समझे। आप कहिएगा प्लेलिस्ट लाइए ना कहाँ है भाई, प्लेलिस्ट आपको नहीं चेक करना था, प्लेलिस्ट जाइए पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, पहले वीडियो देख लीजिए। या तो उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे अपलोड करें, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, BST ऑल टिप्स जब ही टाइप करेंगे यूट्यूब पर तो वीडियो आपको आ जाएगा, या तो टेलीग्राम में #उपयोगिता ये सब टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा, समझे, PDF आ जाएगा, टेलीग्राम में भी डाला हुआ है। इसके बाद जब मेरा कहना है कि जब आप अपलोड कर देंगे तो 2 बात आएगी, या तो ये अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो वही बात कर रहा है कि अगर मान लेते हैं सभी चीज़ आपका सही सही पाया गया तो आपको अप्रूव करेगा, अगर मान लेते हैं कि रिजेक्ट किस स्थिति में किया जाएगा तो जांच में सही नहीं पाए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अस्वीकृत यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, समझ में आया। अब कैसे भाई को रिजेक्ट करेगा, तो वहाँ पर जो इन वॉयस जो होता है
उसका जो ओरिजिनल बिल होना चाहिए। कोई क्या करता है कि 9% 10% में कहीं से बनवा लेते हैं। अब कहीं से बनवाते हैं तो आप देखने जाते हैं कि भाई ओरिजिनल बिल दे रहा है कि क्या दे रहा है, सोझे आप लेकर चले आए, वो डाले वहाँ पर हर एक एक इनवॉइस को चेक करता है, तब तो आप मंगनी में फंस जाइएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा जो भी आप खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन ख़रीदें और ऑनलाइन ही उसको पे करें, ताकि आपका रिसीविंग रहेगा। एक मास्टर रोल भरिएगा और एक उपयोगिता प्रमाण पत्र भरिएगा। मास्टर रोल में जैसे सेड आपका बनेगा तो सेड जो ही बनेगा तो सेड में क्या होगा कि आपका जितने मजदूर को आप खटवाइएगा वो मास्टर रोल में भरिएगा, और जितने आपका खर्चा होगा प्रथम किस्त का खर्चा, खर्चा के बारे में कितना खर्चा करना है वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है मेरे भाई। फिर भी कहना चाहिएगा तो मेरा कहना है क्या कि प्रथम किस्त जो आपका मिला है तो उसमें क्या करना है कि कितना खर्च करना है। जैसे 4 लाख है तो 4 लाख में आपका शेयर पर कितना खर्चा करना है, तो शेयर पर मात्र 1 से 1.5 लाख ही खर्च करना है। 1 लाख शेयर पर 3 लाख आपका जो है मशीन पर खर्चा करना है, तो इस तरह से आपको खर्चा करना है। ये भी उपयोगिता प्रमाण पत्र के कैसे कितना खर्च करना है वो भी ऑफिशियली बोला गया है। इसलिए बहुत है तो 1 से 1.5 लाख तक ले आपको खर्चा करना है, समझे। अब बाकी का आपको मशीन खरीदना है। अब मैं यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि रिजेक्ट करते हुए संबंधित लाभुकों को स्पष्ट कारण सहित लिखित सूचना है ना महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अपने स्तर से जारी करेंगे। अब यहाँ पर जो है जब आपका रिजेक्ट करेगा तो रिजेक्ट की किस कारण किया जाएगा वो भी कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि यहाँ पर जो है किस कारण से आपका रिजेक्ट किया गया है, वो लिखित रूप से आपको मैसेज के थ्रू या तो आपको हम मैसेज नहीं जाएगा, कॉल या मैसेज जाएगा कि आपको किस कारण से आपका रिजेक्ट किया है, वो रिजेक्ट भी आपको बताएगा। ये बातें हैं। अब आइए थोड़ा मैं विश्लेषण कर दूं कि जैसा कि ये 23/5/2023 का नोटिस था, उसमें बताया गया था कि 15 मार्च तक जिन भाइयों का प्रथम किस्त मिल गया है वही लोगों का जो ये लास्ट डेट है 15 जून का। लेकिन मैंने तो अभी आपको बताया जैसे कि इसमें तो बहुत सारा लोगों का पेमेंट आ गया है, समझिए। आपका जितने डाउट होगा ना सारा डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। आप हो सकता है वीडियो इन होते होते आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पर समझिए क्या बोला जा रहा है कि पहली किस्त जो है आपको मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि 1745 को पहली बार जो प्रथम किस्त का राशि आया था 27 फरवरी 2023 को आया था। कब आया था? 27 फरवरी 2023 को आया था। अभी बोल रहा है क्या कि हम 15 मार्च तक ले, तो 27 फरवरी को यहाँ पर घोषित किया था, तो समझे ना कि 15 मार्च तक ले तो कौन है। अभी इसके बाद दूसरी बार जो पेमेंट आया था तो 22 अप्रैल को आया था, है तो ये भी इसका भी अभी 15 जून तक ले नहीं है, तो इसका डेट अलग है, इसका विस्तारित होगा। लेकिन इनका लिए हालांकि जो अपलोड जो करना है टोटल जो अभी तक मेरे जो संज्ञान में है, आपको मैं टोटल में कर देता हूँ यहाँ पर, आपको मेरे हिसाब से टोटल आपका जो 1745 का आया था, फिर 1182 का आया था, यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर 1182 हो गया, और 1996 और एक आया था आपका 343, समझे। ये सभी का पेमेंट चला गया है तो टोटल कितना है 4266, समझ में आया। तो कैटेगोरी ए और बी दोनों मिला करके तो इतना 4266 लोगों का पेमेंट अभी तक मेरे अनुसार जो है चला गया है। ये ऑफिशियली जितने जैसे जैसे भेजा है उसके अनुसार से, यहाँ का थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, समझ में आया। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि पहली बार आया था 27 फरवरी को, तो ये इतना जो 27 फरवरी तक अभी जितना है उतने भाइयों को हमको लगता है कि पंद्रह जून तक ले उसका डेट है। बाकी बाद इधर का जितने भाई हैं सभी को जितना जल्दी हो सके आप लोग अपलोड कीजिए, क्योंकि सभी का ऑप्शन आ रहा है। जब ऑप्शन आ रहा है तो क्यों नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि जब जैसे जैसे अप्रूवल होता जाएगा वैसे वैसे आपका ट्रेनिंग के लिए द्वितीय किस्त के लिए ट्रेनिंग का जो है कॉल आपको जाएगा। इसमें जितना कोशिश कीजिएगा सबसे पहले रहें उतना आपको ठीक रहेगा,
समझ में आया। तब इसमें दूसरी बार आया था 1182 का, तीसरी बार आया था 996, 343 का, तो 996 343 को आप जोड़ेंगे तो ये आपको आएगा 1339 आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 996 343 1339 ऑफिशियली जो बोला गया था कि 1300 लोगों को जो 16 मई को, या आपको याद है कि भूल गए हैं, 16/5/2023 16 मई को जो ज्ञान भवन पटना में आप लोगों को बुलाया गया था, तो इस अप्रोक्स मानिए कि 16 को है तो 16 से दो तीन दिन पहले भी किसी का आया है, 16 से दो तीन दिन बाद आया है किसी का, तो समझे कि ये 20 मई तक लाया है। तो इसका जो है ना डेट अब वही बात यहाँ पर बोला गया है, अब कोई किसी का 20 मई का आया है, अब वो कहेगा भाई हमारा 15 ही जून तक ले हमारा है तो केना होगा, तो वही लागे वहाँ पर क्लियरली बोल दिया है इनका जो विभाग का मजबूरी है तो इनका बोलना ही पड़ेगा कि हम जो 27 मेनली क्या है कि मेरे भाई के 27 फरवरी तक ले जितना भाई है तो उसके लिए इतना है, बाकी ये लोग का डेट आगे बढ़ता जाएगा। तो हमको लगता है कि ये पहली बार नहीं है, आपको और भी डेट आपको चांसेस दिया जाएगा। ये सभी बातों को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को कब अपलोड करना है। 1300 लोगों का ये एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था, ये मैंने ये मैं डाला था कि 1300 लोगों को जो बोला गया है वो सब, ये उद्यमी योजना का 346 लोग है इसमें भी मैंने भेजा हुआ था। और फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज को ये जो दिया गया है यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में चयनित लाभुकों द्वारा प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है 15 जून 2023 तक जो है उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने का है। हालांकि सभी का डेट आगे बढ़ाया जाएगा, ये तो 27 फरवरी तक जिनका है उनके लिए है, बाकी बाद जिनका बाद में भी पेमेंट आया है तो उनको बाद तक ले आपका आगे डेट उसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस सभी को ध्यान में रखते हुए आपको जितना जल्द हो सके उपयोगिता प्रमाण पत्र आप अपलोड कर देंगे उतना ठीक रहेगा। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए बीएसटी टाइप करना है, बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहा है।